हेलो गाइस, आज हम एक नए शेयर को ढूंढ के लाया है जो शेयर माइक्रो कैप से बिलोंग करता है। माइक्रो और स्मॉल मतलब बहुत ही छोटी कंपनी है जो इन फ्यूचर अगर अच्छा परफॉर्मेंस देती है तो मिड कैप या लार्ज कैप बनती है। स्क्रीन पे आप लोग को नाम तो पता चल गया होगा शेयर के बारे में। इस शेयर के बारे में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल चार्ट पैटर्न और फंडामेंटल क्या क्या है और रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल। तो लिंबो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हैं, सीधा चलते हैं हमारे टॉपिक। कंपनी का नाम है POCL एंटरप्राइज। स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 203 के आसपास। कंपनी की यहाँ पे छोटी सी डिटेल दी गई है। कंपनी करती क्या है, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग का, किसमें, वेरियस मेटल केमिकल और उनके ऑक्साइड में। कंपनी 1988 से कार्यरत है। इस कंपनी की मेनली चार प्रोडक्ट हैं। सबसे पहली है मेटालिक ऑक्साइड, दूसरा है प्लास्टिक एडिटिव, तीसरा है जिंक रिफाइनिंग और चौथा है लेड एलोइंग। कंपनी की दो से तीन चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं। सबसे पहली चीज़, कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी फैली हुई है। यहाँ पे देखेंगे डोमेस्टिक सेल 60% के आसपास का है और इंटरनेशनल सेल 40%। इंटरनेशनल डील कर रही है तो इन फ्यूचर कंपनी को अच्छा खासा उसमें मुनाफा होगा। यहाँ पे रेवेन्यू बताई गई है, कौन से प्रोडक्ट से कितनी उनकी रेवेन्यू आती है। सबसे पहली है मेटल से 54, मेटालिक ऑक्साइड से 34, PVC 5 से 11 और अदर में से 1% के आसपास। कंपनी के बारे में और जानेंगे। ROC और ROE 20 के ऊपर है, मतलब अच्छी मानी जाएंगी। पे सैल्यू अभी भी 10 की है, इन फ्यूचर स्प्रेड भी हो सकता है। इतनी स्मॉल माइक्रो कैप वाली कंपनी 1% के आसपास आपको डिविडेंड भी देती है, तो ये एक गुड साइन है। ठीक है, स्टॉक का ऑल टाइम हाई 224 के आसपास है, तब करीब लास्ट वीक के आसपास स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। कंपनी के ऊपर 90 करोड़ का डेप्थ है, उसके सामने 46 करोड़ की रिजर्व है। तो जो भी छोटी कंपनी रहेगी उन पर डेप्थ हो सकती है या होती ही है, ऐसा आप मान के चलिए। किसी और शेयर को भी ढूंढेंगे तो ज़्यादातर ऐसे सेक्टर पे, ऐसी माइक्रो कैप वाली कंपनियों पे डेप्थ रहती है। अगर नहीं होती तो बहुत ही अच्छी मानी जाएगी। स्टॉक के लिए एक और अच्छी चीज़ बताऊंगा, माइक्रो कैप में तो है, उसके साथ साथ पी वैल्यूएशन हम कंपेयर करेंगे दूसरे के साथ, तो 8 के PE पे वर्क कर रहा है। और यहाँ पे आप इंडस्ट्रियल PE देखेंगे 30 के आसपास है, मतलब अभी यहाँ से स्टॉक ऑलमोस्ट 2 टाइम्स ऊपर जा सकता है एज पर PE वैल्यूएशन। ठीक है, ये 200 की जो प्राइस चल रही है वो 600 तक जा सकती है एज पर PE वैल्यूएशन। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे, इसमें देखिए सेल्स, कंपनी कंटिन्यू अपना सेल्स इंक्रीज करती जा रही है। ठीक है, जो कंपनी 2 करोड़ के आसपास का सेल्स करती थी वो भी 1,000 करोड़ के आसपास पहुंच गई। ऑपरेटिंग मार्जिन इतना बड़ा नहीं है, 3% से लेके 1% के बीच में रहता है, पर 3% पे भी काफ़ी अच्छा है। प्रीवियस EPS से हम कंपेयर करेंगे यहाँ पे, प्रीवियस EPS है तो EPS में काफ़ी अच्छा जंप आया है 24 के आसपास। बैलेंस शीट में एक और चीज अच्छी दिखाऊंगा, शेयर कैपिटल कितनी है, सिर्फ 6 करोड़ के आसपास, तो इसे अच्छा माने जाए। इन्वेस्टर की बात करूं, 45% के आसपास प्रमोटर के पास होल्डिंग है और उसके साथ साथ पब्लिक के पास 54 है। और पब्लिक में एक चीज आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 11 से 12% की होल्डिंग इन बड़े बड़े लोगों ने ली है। इन लोगों का नाम अभी हमने सुना नहीं है, अभी यहाँ पे फ्रेम पे नजर आ रहे हैं, तो सीधे चलते हैं चार्ट पैटर्न पे। ये वीकली टाइम फ्रेम मैंने लगा के रखा है। स्टॉक ने काफी टाइम 80 के नीचे के लेवल पे निकाली थी। यहाँ पे चार्ट को छोटा करूंगा तो पीछे बहुत ही छोटी छोटी कैंडल दिखेंगे। तो ये पुराना 110 के आसपास का रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस, वहां से स्टॉक कंटिन्यू इसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। जैसे उसने 80 का लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी, ये अच्छा खासा ब्रेकआउट सस्टेन हुआ।
आप देखिए यहाँ, और उसके बाद कंटिन्यू स्टॉक में अपसाइड ले ली। सबसे पहला उसका ऑल टाइम हाई था 198 के आसपास का, वहां से स्टॉक फिसला और इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया 106 के आसपास। 106 के लेवल पे हम प्रीवियस में जाएंगे तो यहाँ पे जो स्टॉक ने शुरुआत के टाइम पे जो ब्रेकआउट दिया था उस लेवल के पास आके उसने एज ए सपोर्ट बिहेव किया, ठीक है, और वहां से वापिस से स्टॉक अपूपी दौर पे चला हुआ है। तो फिलहाल के लिए पोजीशन क्या बनेगी, स्टॉक अभी ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड करता है, ठीक है, पहली चीज। तो स्टॉक के लिए 224 के ऊपर क्लोजिंग देता है, मे बी 2-3 ट्रेडिंग सेशन वो बिताता है, तो स्टॉक 300, 350 और 430 के लिए रेडी हो जाए। इन केस स्टॉक यही पे टाइम फ्रेम निकलता है, ठीक है, 30 जोन के आसपास यहाँ निकलता है, साइडवेज रहता है, जितना टाइम निकालेगा उतना अच्छा है। जिस तरफ मूवमेंट देगा, या फिर ऊपर या फिर नीचे, अगर ऊपर गया तो स्काई इज द लिमिट, जैसे कि मैंने छोटे छोटे टारगेट सजेस्ट किए, और अगर नीचे आता है तो स्टॉक इस सपोर्ट रेंज के आसपास आ सकता है। इन लोग को भी इन्वेस्टमेंट करना हो ऐसे स्टॉक में तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए, शॉर्ट टर्म में इतना आपको गेन मिलेगा नहीं। माइक्रो कैप मिनिमम 5-10 साल लेती है। अगर आपका भी लॉन्ग टर्म व्यू है तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे जरूर से लाइक और शेयर कीजिए, और कुछ भी क्वेरी लगे या फिर आपको कोई गलती लगे आप जरूर से कमेंट कीजिए, हम इसे रिसोल्व करने की कोशिश करेंगे। और हो सके उतना हमारे चैनल के वीडियो को अपने दोस्तों, अपने फैमिली मेंबर जो मार्केट में इंटरेस्टेड है उन तक पहुँचाइए। हम चाहते हैं आपके साथ साथ आपके फैमिली मेंबर फ्रेंड्स भी लर्निंग करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।